Welcome to Master Stroke Institute's Digital Coaching. It's an initiative by ex-faculties of renowned institutes for less privileged candidates who are not able to pay lump sum amount in other institutes. Our focus is on half the course fees but double the success. Now, देखिए लास्ट जो क्लास हुआ था वहाँ पर हम लोग क्या कवर किए थे एडिशन सब्सट्रैक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डिजिटल रूट मेथड सीखे थे। नाउ इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ना मल्टीप्लिकेशन का जो चैप्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, मल्टीप्लिकेशन वन एंड मल्टीप्लिकेशन टू। नाउ मल्टीप्लिकेशन जो वन है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू क्रॉस टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थ्री क्रॉस थ्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो गया जनरल केस, कोई भी नंबर के लिए ये अवेलेबल होगा, ये पॉसिबल होगा ये मल्टीप्लिकेशन। एंड स्पेशल केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई 5 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन बाई 125 करेंगे। तो फर्स्ट इज फर्स्ट, जनरल केस स्टार्ट करते हैं टू क्रॉस टू मल्टीप्लिकेशन। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं कि 23 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 33 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोगों को दो चीज़ याद रखना है, यहाँ पर हम कर देते हैं उसको, दिस वन। नाउ अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, ये स्टेप है स्टेप वन है, ये है स्टेप टू एंड ये है स्टेप थ्री। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, दिस वन इंटू दिस वन। नाउ थ्री इंटू थ्री क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में दिस वन इंटू दिस वन मतलब थ्री इंटू थ्री क्या आ गया, नाइन आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या आता, क्रॉस। नाउ टू इंटू थ्री कितना आया, सिक्स आया एंड थ्री इंटू थ्री कितना आया, नाइन आया। और बीच में क्या साइन लिखा हुआ है, प्लस साइन लिखा हुआ है, तो ऐड करेंगे तो कितना आता है, फिफ्टीन आता है। नाउ फिफ्टीन हो गया टू डिजिट नंबर और यहाँ पर हम एक ही डिजिट लिख पाएंगे, तो क्या लिखेंगे, पाँच को लिखेंगे और कैरी वन हो जाएगा। नाउ लास्ट स्टेप क्या था, दिस वन इंटू दिस वन मतलब टू इंटू थ्री कितना आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स आएगा, राइट। सिक्स प्लस ये कैरी वन कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, मतलब सिक्स आएगा प्लस ये कैरी वन तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। तो आंसर इज 759। और एक करते हैं, 63 इंटू 56 मल्टीप्लाई करते, तो फर्स्ट वन क्या बोले थे, फर्स्ट स्टेप दिस वन इंटू दिस वन क्या हो गया, 18 हो गया। तो 18 का 8 और कैरी वन, क्योंकि में हम एक ही डिजिट लिख पाएंगे। दूसरा क्या हो गया, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 3 15, 36 प्लस 15 ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आता है, 51 आता है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम मेरा 2 बैठेगा और कैरी 5। नाउ 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 प्लस 5 कितना हो गया, 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35 टू 8। ओके क्लियर आई गेस। नाउ नेक्स्ट वन, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लीकेशन। नाउ देखिए एक नंबर लेते हैं कि 123 इंटू क्या करेंगे, 251 करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पर जो स्टेप थे वैसी स्टेप लिखेंगे, स्टेप वन क्या होगा, दिस वन, स्टेप टू क्या होगा, प्लस स्टेप थ्री
क्या होगा, ये होगा, ये होगा और बीच से ये होगा, एंड पूरा चीज़ को क्या करना है, प्लस करना है, ये याद रखना है, प्लस करना है। स्टेप फोर क्या होगा, ये होगा, ये होगा और क्या करना है, प्लस करना है। एंड स्टेप फाइव क्या होगा, ये करना है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, तो कितना आया, वन इंटू थ्री, थ्री। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, मतलब टू इंटू वन कितना हुआ, टू हुआ, फाइव इंटू थ्री कितना हुआ, पंद्रह हुआ, तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया, सत्रह आ गया, तो मतलब सेवन और कैरी वन, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही डिजिट बना पाएंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा, वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, मतलब टू इंटू थ्री सिक्स, वन इंटू वन, टू इंटू थ्री सिक्स, वन इंटू वन वन, फाइव इंटू टू टेन, ऐड करेंगे तो कितना आया, सत्रह आया, राइट। हाँ, सेवनटीन प्लस वन, ये जो कैरी है कितना होगा, एटीन, एटीन का एट और कैरी फिर से वन। स्टेप थ्री हो गया, स्टेप फोर में क्या करना है, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, मतलब वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू टू कितना होता है, वन इंटू फाइव फाइव होता है, प्लस टू इंटू टू कितना होता है, फोर होता है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, नाइन आ जाएगा, और ये कैरी वन है, नाइन प्लस वन कितना होगा, टेन होगा, मतलब जीरो प्लस कैरी वन, टू इंटू वन कितना हुआ, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर, जीरो एट सेवन थ्री, दिस वन इज योर आंसर, सॉरी, टू इंटू वन इज इक्वल्स टू टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री, सो योर आंसर इज 3087 3। नाउ और एक करते हैं इसको, सो ऐसा क्वेश्चन, सो एग्जाम्पल जो है वो है 547 इंटू 283। आप लोगों को स्टेप याद कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये वीडियो जब आप देखोगे, ये जो स्टेप्स हम लास्ट में बताए थे, एक मिनट, ये वीडियो जब लास्ट में बताए थे, ये स्टेप जो है ये कॉपी में लिख लेना है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव, ये पांचों स्टेप आपको लिख लेना है, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो 547 इंटू 283, तो आप लोगों को याद है फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस वन इंटू दिस वन कितना होता है, सेवन इंटू थ्री, 21 का वन और कैरी क्या होगा, टू रहेगा। नाउ क्या था, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, मतलब और उसको क्या करना है, ऐड करना है, तो 12 प्लस 56 कितना हो गया, 68 हो गया, और ये कैरी टू आ गया तो कितना हो गया, 70 हो गया, तो 70 का जीरो और मेरा कैरी अभी क्या हो गया, सेवन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था, मतलब दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, चलिए करते, फाइव इंटू थ्री 15 प्लस टू इंटू सेवन 14 प्लस एट इंटू फोर 32, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 29 हो गया, 29 और यहाँ पर 32, मतलब 29 हटाइए, 30 सोच लीजिए, 30 प्लस 32 क्या होता है, 62 होता है, देखिए, बट यहाँ पर तो था 29, मतलब 30 से एक कम, तो 62 से एक माइनस करिए, तो ये ऐड करने से मेरा कितना आ गया, 61 आ गया, और यहाँ पर मेरा कैरी कितना था, 7 था,
तो 7 को मैं 61 के साथ ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया, 68 आ गया। तो 8 साथ साथ कैरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ दिस वन 5 × 8, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन करना है, मतलब 5 × 8 कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना हो गया मेरा, 48 हो गया, और ये जो कैरी है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दिए, कितना आ गया, 54 आ गया, मतलब मेरा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया और कैरी कितना है, 5 है। तो नेक्स्ट है 5 × 2 10 प्लस ये 5 है, 10 प्लस ये 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक था स्पेशल केस। नाउ स्पेशल केस में क्या करेंगे, पहला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, बाई 5। ना 5 ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10/2। नाउ मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया कि आपको एक नंबर दिया गया 1, 2, 3, 5, 2, 6, 4 × 5। नाउ आपको बहुत टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। नाउ आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 5, 2, 6, 4 × 10 करिए, बाई 2 करिए, यही तो 5 होता है। मतलब हम ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में 1, 2, 3, 5, 2, 6, 4 / 2 × 10 कर देंगे। तो कैसे आ जाएगा, देखिए 6 ये डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, मतलब 6 × 2 = 12, देन 3 आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो 1, 7, देन फिर से 6 आ गया, देन 3 आ गया, देन 2 आ गया। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, 2 ज़ा 6 1 17 1 6, हाँ × 10, मतलब इन में 0 बैठ गया। ये हो गया 5 से मल्टीप्लिकेशन। और एक छोटा सा कर लेते हैं, × 5 करना है, मतलब हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 10 मतलब 6, 1, 2, 1, 6, 2, 8, 0। आई थिंक सबको समझ में आया। नाउ एक ऑड नंबर के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, छोटा सा नंबर एक ले लेते हैं कि आपको क्या करना है, 235 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसीड्योर, 235 × 10/2 क्या होगा, 11, 2 ज़ा 22, 1 रह गया, तो 7, देन क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। नाउ आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 7, 5। नाउ हम सीखेंगे कि 25 से मल्टीप्लीकेशन। देखिए सिनेरियो सेम है कि 5 को 10/2 लिख सकते हैं, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4। तो एक नंबर है 6424 × 25, आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 6424 इसको आप 4 से डिवाइड करोगे और 5 के जैसा ही, तो कितना आ गया, ये हो गया × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1606600। क्लियर। तो क्यों ऐसे हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि 25 कैन बी रिटेन एज 100/4। ऐसे क्यों कर पा रहा है कि 5 इज रिटेन एज 10/2। ऐसे 125 से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, क्या होगा, देखिए इसको हम लिख पाएंगे 1000/8।
आठ से डिवाइड करेंगे और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सा एक नंबर ले लेते हैं, क्या करेंगे 6432 को आठ से डिवाइड करेंगे इनटू 125, सॉरी इनटू थाउजेंड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 804 आएगा, उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए सेम है तो इसका और एग्जांपल नहीं करवाए। चलिए ये वीडियो इतना था कि, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन 2 में बाकी किस्सा करेंगे, कैसे कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।